सावन की आज आखिरी सोमवारी है। इस बार कोरोना का असर सावन के महीने में ज़रूर पड़ा है और कहीं ना कहीं भक्तों के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिली है। लेकिन इस वक्त हम भोलेनाथ के मंदिर में हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं हैं, पंडित जी हैं, भोले बाबा के शिवलिंग हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि सावन की आज आखिरी सोमवारी है। भक्त मायूस जरूर हैं, कुछ बात करेंगे, महिला भक्त हैं। हर बार भीड़ होती थी लेकिन इस बार हर बार बहुत भीड़ होती थी कोरोना को लेके, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हमारे मंदिर में बहुत कम लोग ही दर्शन के लिए आए हैं और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि हर बार आखिरी सोमवार को हम लोग सारे लोग मिलकर श्रृंगार करते थे, इस बार श्रृंगार में कुछ कमी है, बट हम लोगों की आस्था अभी भी कम नहीं है लेकिन थोड़ा कमी है, लेकिन हम लोगों ने तपड़ भी अपनी आस्था को कम करते हुए हम लोगों ने जैसे हो सका, सक्षम हो सके उस तरह से हम लोगों ने श्रृंगार किया है। मैडम मायूसी भी है इस बार कुछ, कोरोना का चूंकि असर है मायूस भी है। तो बहुत है पहले से लेकिन आस्था है भगवान के दर्शन, आस्था है, सब लोग के भक्ति है, यहाँ पूजा तो सब लोग करने आए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए करने आए हैं, ध्यान में यानी रखा जाए। हाँ, तमाम महिला भक्तगण हैं जिनका साफ कहना है कि कोरोना का असर पड़ा है, मायूस है लेकिन आस्था दूर नहीं हुआ। पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, हर साल भीड़ होती है लेकिन इस बार थोड़ी कम भीड़ है, मायूस भी हैं भक्त? कोरोना के चलते इस साल में कुछ मन छोटा हो गया, इसके कारण से भीड़ कम लगा है, लेकिन हम हर एक साल महादेव जी का हम लोग श्रृंगार करते हैं, हम लोग चारों सवारी का श्रृंगार करते हैं, हम लोग बड़ी धूमधाम से इनका श्रृंगार प्रस्थान करते हैं। हम लोग इनका महामृत्युंजय पाटनेश्वर शिव मंदिर के धूमधाम से श्रृंगार करते हैं और इसका आनंद हम लोग सभी आदमी उठाते हैं। देखिए तमाम भक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं, और देखिए श्रृंगार किस तरीके से भोलेनाथ का किया गया है, आस्था कम नहीं हुई है। तस्वीर आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस्था कम नहीं हुई है, पूरे रीति रिवाज से जिस तरीके से सावन में हर बार भक्त पहुँचते हैं वैसे ही फूलमाला चढ़ाई गया है, प्रसाद चढ़ाया गया है, और देख सकते हैं ये फूलमाला कितनी आकर्षित लग रही है और कितना देखने में अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कद्दावर नेता जाप के संजय जी हैं। संजय जी, हर साल भीड़ होती है लेकिन इस बार थोड़ी कम है, भक्त मायूस भी है? हम लोग तो सबसे पहले इस कोरोना काल में जो महामारी आया उससे एकदम त्रस्त हैं। आपने देखा कि सरकार का भी आदेश का हम लोगों ने पालन किया, मंदिर बंद था, सुबह भी 3 बार ताला लगाया गया लेकिन जो श्रद्धालु हैं उन्होंने ताला तोड़ दिया, जल चढ़ा। आप तो श्रृंगार का वक्त है, जितना जो आप देख रहे हैं महिला जेंट्स लोग जो देख रहे हैं एक्चुअली ये मंदिर के समिति के मेंबर लोग हैं और पूजा हो रहा है, ये श्रृंगार का लास्ट सोमवारी है और वैसे भी हर वर्ष हर सोमवार को होता है, या महामृत्युंजय पाटनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से 2006 में स्थापित किया गया था। लोगों का आस्था विश्वास है तब तो भगवान के प्रति देख रहे हैं, ये कहने की बात है। लोगों को आस्था और विश्वास है पूर्ण बाबा भोलेनाथ पर, लोग अपने अपने मन में श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ आए, किन्हीं को बुलावा थोड़े गया है। देव है, इनको गोर लांगेंगे तो समस्या हर के मारी कोरोना काल में काहे लगा देते हैं, महादेव सब कष्ट दूर करने वाला है, सुनिए उनको पर सारा देव देवता देवी है, सुनिए उन पर सब पर विश्वास है उनको पर, समझिए आज भगवान को दर्शन करेंगे तो सब समस्या दूर। कोरोना काल में सुनते दरवाज़ा लगा देते हैं महादेव का, मंदिर का दरवाज़ा लगाते हैं, इसलिए आओ कर बढ़ेगा, बाकी घर अमदी के खुला रहेगा तो सब चीज़ में समस्या का दूर। देख सकते हैं ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, महिला भक्त यहाँ पे पहुँची हुई है और कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है उस पर आस्था भारी है। वहीं दूसरी ओर देखिए इधर प्रसाद बनाया गया है और प्रसाद भी यहाँ पे बांटा जाएगा जो भी महिला है। पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से उत्साह और जो खुशी है वो भक्तों के चेहरे पर आपको साफ देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां कर रही है। कुछ छोटी बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। बाबू, आप पूजा करने के लिए आई हैं, क्या मैसेज दीजिएगा? बोलिए। कोरोना की स्थिति तो आप देख ही रही है ना, किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर रही है? कोरोना के वजह से हम लोग अभी मास्क पहन के रह रहे हैं
तो अभी हम लोग यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं। लोगों को क्या मैसेज दोगे, और भी लोग मास्क पहन के आए, कोरोना है नहीं? नहीं, और सबको पहनना चाहिए, मगर बहुत सारे लोग अभी पहन भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं है कोरोना, नहीं है कोरोना। पहनना चाहिए? हाँ, पहनना चाहिए। तो देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं और बच्चियां भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन कोरोना पे कहीं ना कहीं आस्था भारी पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। और देखिए, तस्वीरें साफ हैं, भक्तों में उत्साह है और कहीं ना कहीं भक्त एकजुट होकर भोलेनाथ के आखिरी सोमवारी पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।